दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप कोई भी स्मार्टफोन देख लो तो मैक्सिमम गाइस 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। वैसे मैं बात करूँ को कंपेयर अगर DSLR कैमरा की, वही 24 मेगापिक्सल कैमरा कंपेयर अगर करेंगे 64 से, फिर भी बेटर परफॉर्म आपको बेटर पिक्चर्स देखने को मिलती है DSLR के 25 मेगापिक्सल कैमरा में। ऐसा क्यों जो 64 मेगापिक्सल फ़ोन में देता है फिर भी वो क्वालिटी नहीं मिलती? गाइस यहाँ पे जो DSLR की जो फोटो होती है ना हाई लेवल की, तो वो एक ही रीज़न होता है कि जो DSLR में जो सेंसर यूज़ किया जाता है एक बड़ा सेंसर होता है, वही कंपेयर अगर बात करें फ़ोन की तो उसमें जो सेंसर होता है सेंसर का साइज़ बहुत छोटा होता है। और आपको पता होगा अगर जितना बड़ा साइज़ सेंसर होगा उतनी अच्छी लाइट देगा, और सेंसर के साथ साथ में अगर सेंसर साइज़ बड़ा है तो पिक्सल्स भी बड़े होते हैं। और फ़ोन में जो सेंसर छोटे साइज़ में देखने को मिलते हैं उससे क्या होता है कि फ़ोन के जो पिक्सल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और पिक्सल्स मतलब मल्टीपल पिक्सल, मेगा पिक्सल अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब डॉट डॉट जो पिक्सल्स की अगर क्वान्टिटी ज़्यादा हुई मतलब पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इसीलिए दोस्तों जो DSLR की जो पिक्चर क्वालिटी होती है ना एक हाई लेवल की होती है, सेंसर बड़ा होता है साथ में जो पिक्सल्स है वो बड़ा हो जाता है, अगर सेंसर छोटा है तो पिक्सल्स भी छोटा होता है। DSLR में दोस्तों आपने मैक्सिमम देखा होगा CCD सेंसर का यूज़ करते हो लोग, और अच्छे DSLR में आपको 3 CCD सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। वहीं पे गाइज अगर मोबाइल फ़ोन के जो सेंसर्स की बात करें तो एक क्रिएटर सेंसर का यूज़ किया जाता है, जैसे कार्लजीज या सोनी जैसी बड़ी कंपनियां फ़ोन के लिए एक नॉर्मली सेंसर बनाती है। तो गाइज़ यही था एक कंपैरिजन। वैसे वीडियो पसंद आता है तो यार एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।